जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे, रमजान के रोजे रख रहे होंगे यकीनन। शायद इस वजह से ये जो हमारा दुनियावी निजाम है थोड़ा डिस्टर्ब है, लेक्चर्स मेरे देर से अपलोड होते हैं और आपकी तरफ से भी कोई खास वायरल रिस्पॉन्स इतना अच्छा तो नहीं है। अभी भी दो स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, असद ने और गुलजुमान ने। खैर जी, और तो कुछ मैंने क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट वीडियो में, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है आपका। तो बहरहाल हम जिस हद तक हो सकेगा इसको कंटिन्यू रखेंगे जितना हो सकेगा। ठीक जी, हम थोड़ा लास्ट लेक्चर देखते हैं जो निस्बतन शॉर्ट था, आज जो थोड़ा लेंथी है, डेट ज़्यादा है। अकबर वो हम पढ़ेंगे। बहरहाल जी, हमने सूरी डायनेस्टी पढ़ी थी कल, और जो कि सिर्फ 15 साल रही। तो इसमें से बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। 15 साल सूरी डायनेस्टी रही और 15 साल ही जो मुगल बादशाह हुमायूं था, ठीक है जी, वो डी थ्रोन रहा, तख्त से मुस्तस्ना रहा, या जो भी आप बेहतर लफ्ज हो। उसके बाद जो शेर शाह सूरी की डेथ कैसे हुई, ठीक है जी, पश्तून पठान था, उसने कैपिटल कौन सा रखा, और उसके नॉमिनेटेड वर्क्स कौन कौन से थे, जरनैली रोड, रोहतास फोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कई एमसीक्यूज बनते हैं जी उसमें। टोडर माल फाइनेंस मिनिस्टर रहा, और कहान रिवर के साथ है, जहलम रिवर के साथ है, ये सब इंपॉर्टेंट है। रिओतवारी सिस्टम एमसीक्यूज तो कभी नहीं आया लेकिन आ सकता है, इसकी भी डिटेल मैंने थोड़ी सी बताई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजंस, ठीक है ना, सरकार और परगनाज किसने ये डिवेलप किए, शेरशाह सूरी ने, ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सैलरीज ग्रांटेड की, रैंक्स की बेस पर नहीं, एबिलिटी की बेस पे। देन जी, कहाँ बरीड है ससराम में, कई मरतबा एमसीक्यूज आ चुका है। और द लास्ट में बैटल ऑफ सिरहिंद, असद कंफ्यूज था किसमें कि 1955 में, अच्छा सॉरी मैंने 1955 लिखा है, 1555 होना चाहिए था, सॉरी ये, अच्छा मैंने उस वक्त भी नोट नहीं किया, सिर्फ 55 देखा मैंने। सर आप ठीक कह रहे थे। अच्छा, हुमायूं डिफीटेड सिकंदर शाह सूरी, तो खैर आज हमारे मुगल डायनेस्टी है 1526-1857। इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। पहली बात तो ये अकबर, देखें अकबर ने तकरीबन आधी सेंचुरी हुकूमत की है, 49 साल हुकूमत की अकबर ने, ठीक है, 14 ईयर्स की एज में ये बादशाह बन गया था, और 63 ईयर्स इसकी एज रही है, ठीक है। बाबर भी बहुत जल्दी बादशाह बन गया था लेकिन उसकी ना तो इतनी उम्र थी जब उसकी डेथ हुई, और दूसरा के उस वो जंगों में रहा भारत, तो इसकी जिंदगी भी जंगों से भरी हुई है। इसको हम ऐसे ही नहीं कहते अकबर दी ग्रेट, ठीक है, जहाँ सिकंदर आजम कहते हैं वहाँ अकबर आजम कहते हैं, तो इसको ऐसे ही आजम नहीं कहा जाते उनको, कहने की बजाय वैसे जैसे हजरत उमर फारूक के बारे में कहा जाता है कि आजम का लफ्ज उनके साथ भी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक चीज़ कॉमन है इन सब बादशाहों में जो इनके साथ ग्रेट लगा रहे हैं, वो ये कि इन्होंने अपनी टेरिटरी बहुत बढ़ाई है, ठीक है। सिकंदर देखें आधी दुनिया फतह कर ली थी, और अकबर ने बहुत सा बड़ा एरिया जिस पर हुकूमत नहीं थी मुगलों की, इन्होंने इस पे ये कैप्चर किए और सारी जिंदगी जंगे रही। इन स्टार्ट देखते हैं जी, उमर उमर कोट में इसकी 1542 में पैदाइश हुई, और इसके बाप को हुमायूं को, ठीक है जी, दीन पनाह में, दीन पनाह इसमें एज ए कैपिटल, वहाँ इसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, डेथ से कुछ महीने पहले, अपने स्टोरी थोड़ी सी क्लिक करनी है नीचे, फिर हम ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। दीन पना में जब ये था, इस कैपिटल में था, इस सिटी में, तो इसने अकबर को, ये देखिए मैंने ये थोड़ी सी डार्क ग्रे कलर की लाइन यहाँ से लगाई, अकबर को पंजाब भेजा था, पंजाब के जंगलों में, पंजाब का एक गांव था, गांव के नाम की जरूरत नहीं है, वहां पर एक रिवोल्ट थी, तो इसने बैराम खान के साथ अकबर को इस पंजाब के जंगलात में भेज दिया था ताकि वो देखे बैराम खान को लड़ते हुए और उसकी ट्रेनिंग हो, ठीक है, याद रखें। और बैराम खान का लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था,
जब ये कामरान मिर्जा के पास गए थे तो बहराम खान था, तो बहराम खान जो है वो थर्ड जनरेशन को सर्व कर रहा था। आप ये देखें, यानी कि कहाँ ये बाबर के साथ भी था और फिर ये हुमायूं के साथ भी फिरता रहा, अब ये अकबर को भी ट्रेन कर रहा है और इस तरह सब। बहरहाल जी 1556 में पीछे हुमायूं की डेथ हो जाती है और यहाँ पर मौजूद जो वजीर आजम है, इनका पीएम है, वो एहतियातन ताज और जो स्टैम्प्स थी बादशाह की, वो कहता है कि यार इससे पहले कि इस इलाके पे कोई भी कब्जा करे, मैं ये स्टैम्प्स और ताज बादशाह के यानी कि बेटे के पास पहुंचा देता हूँ। इकलौता वारिस था अकबर, तो इधर उसने यहाँ पर पहुंचाई और उसका खदशा बिल्कुल ठीक था। अभी ये पहुंचा ही रहा था, ये यहाँ से इसने कासिद भेज दिए थे, यहाँ एक ये नॉर्दर्न इंडिया का राजा था एक हीमू, ठीक है, बस तो इसका लंबा चौड़ा नाम है, बड़ा अजीब सा, इसने कैपिटल पे कब्जा कर लिया। ठीक है जी, इधर से इन्होंने ये इस जंगल में ही एक ऐसे मिट्टी का और ईंटों का कुछ ना कुछ चबूतरा बनाकर वहां पर अकबर को ताज पहनाया और उसकी बैत कर ली कि जी हम आपको बादशाह तस्लीम करते हैं ये। और बैराम खान ने सबसे पहले बैत की, याद रखें। ये भी क्वेश्चन एक मतलब पूछा गया था कि कौन सा बादशाह था मुगलों में से, या वैसे जनरल पूछा गया कि जिसकी जंगल में ताजपोशी हुई। ठीक है जी, तो जंगल में या इस तरह का कोई कोई वर्ड ऐसे यूज किए हुए थे, बहरहाल आप समझ जाएंगे जब भी एमसीक्यूज आएगा, तो वो अकबर था। खैर ये वापस गए, ठीक है, वालिद को तो जाहिर दफन वगैरह कर दिया होगा, लेकिन इन्हें भी पता लग गया कि वहां पर कब्जा हो गया, कैपिटल कब्जे में आ गया, तो हीमू ने यहाँ पे कब्जा किया होता, तो हीमू की यहाँ से फौज आई और अकबर यहाँ से आ रहा था। देखिए अकबर तो उस वक्त बच्चा ही था, अकबर लड़ना नहीं जानता था, तो पसे पुश्त उसके बहराम खान था, असल फोर्स बहराम खान की थी और अकबर का एक नाम था क्योंकि उस वक्त वो बादशाह हो चुका था। तो यहाँ पर एक बड़ी जंग हुई जिसको कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और फर्स्ट बैटल कब हुई थी, जो बाबर के जमाने में ही, बाबर और इब्राहिम की हुई, उसमें भी बहराम खान। तो इस एरिया से बहराम खान बखूबी वाकिफ था, खैर जंग जीत गया और बहराम खान ने इसको हिफाजत से बिठा दिया अकबर को साइड में कि आपने बस देखना है, मजे लेने हैं जी कैसे जंग हो रही है। और जब हीमू गिरफ्तार किया गया तो बहराम खान ने उसके हाथ में तलवार दे दी कि जी आप इसका सर काटें। तो अकबर ने सर काटा हीमू का, या बहराम खान ने, बहरहाल उसको खत्म कर दिया। इन्होंने फिर ये कैपिटल दीन पना से दिल्ली भी नहीं, लेकर आगरा में ये कैपिटल का शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, और उसके बाद इस आगरा सिटी से इन्होंने कार्रवाई की कैपिटल से मुख्तलिफ जगहों पर, जिस तरह सबसे पहले 1562, ठीक है, जयपुर पर इन्होंने, जयपुर को एक में दो रिवायतें हैं, एक कहा जाता है कि जयपुर पे अकबर बादशाह ने हमला किया था, दूसरा कहा जाता है कि ये जयपुर का जो राजा था, ठीक है, ये सारी राजस्थान की टेरिटरी है, तो राजस्थान पे बहुत हमले किए, तो जयपुर का राजा खुद ही बादशाह के पास आया उसके फौज के साथ कोलेबोरेशन करने, उसकी मदद मांगने, और उसने तोहफतन अपनी बेटी, बड़ी बेटी, यानी कि ये राजपूतों में और राजाओं में ये था कि जब भी वो किसी दूसरे के साथ सुलह करते थे तो अपनी बेटी उसके साथ उसकी शादी करवा देते थे। तो इस तरह इसने, जयपुर के राजा ने अपनी बड़ी बेटी जोधा बाई की शादी अकबर से करवा दी, अकबर ने शादी कर ली यूं कहें, और इस तरह एक हिंदू लड़की से अकबर ने शादी कर ली। देन अकबर ने चित्तौड़ फोर्ट पे भी हमला किया 1567 पर, 1576 पर हाल्दी गति, ठीक है, ये एक फोर्ट था, एक यहाँ की रानी थी, उस पर हमला किया। हम इसमें नहीं, मसले में नहीं पड़ेंगे कि भाई क्यों किया, उसकी स्टोरीज क्या हैं। देखें याद रखें पीपीएससी बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपको टू दी पॉइंट रहना है, ठीक है, टू दी पॉइंट रहना है, सिर्फ देखना है कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये करनी है कि नहीं। अभी इसमें से ये जो 1562 वाली मैंने बात बताई, 1567 वाली, 1576, ये डेट्स नहीं आई, ठीक है, इस तरह की 1564 में गोंडवाना में उसने हमला किया, तो ये डेट्स नहीं आएंगी, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस बनाने के लिए है कि किस तरह इसने मुख्तलिफ ईयर्स में, इसने मुख्तलिफ जगहों पर, देखें इंडिया के इस तरफ हमला किया, तौर पे हमला कर रहा है, तो ये बस उसकी साइंस जानने के लिए है, और कुछ नहीं है कि उसके माइंड के क्या चल रहा था। ठीक है, और भी बहुत सारी, दरमियान में भी बहुत सारी वार्स हुई, उसका कोई जिक्र नहीं है।
ठीक है जी। और हाल्दी गति इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल्दी गति की जो रानी थी इसने जौहर परफॉर्म किया, यानी कि आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ठीक है, और बस ये बात इम्पोर्टेंट है हाल्दी गति के लिहाज से। देन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इसने अपना जो कैपिटल है आगरा से फतेहपुर सिकरी, ठीक है, शिफ्ट कर लिया। उसकी रीजन थी फतेहपुर में इनके मुर्शिद रहते थे, ठीक है जी, सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। कहा जाता है कि उनकी दुआ से अकबर को बेटा हुआ। अकबर को बहुत लेट बेटा हुआ, यानी कि औलाद नहीं थी, एक ही औलाद हुई, और काफी उसके बुढ़ापे में। और एट दी एंड क्या हुआ, उसी बेटे ने उसको जहर दिया था। मतलब ये भी कोई स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा जहर दिया जिससे अकबर की बाद में डेथ हुई। और बहुत सारे खिलाफ रहे वो, हम शहजादा जो सलीम था, ठीक है, सलीम चिश्ती इनके मुर्शिद का नाम भी था। मुर्शिद के नाम पे इसने अपने बेटे का नाम भी रखा। और नेक्स्ट जब बेटे को पढ़ेंगे तो फिर हम थोड़ी सी इनकी कहानी देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या इख्तलाफ रहे। अच्छा, यहाँ कुछ अरसा फतेहपुर सिकरी रहा और फिर ये वापस आगरा आ गए। आगरा से 1985 में ये लाहौर इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, लाहौर को किसने कैपिटल बनाया? अकबर ने 14 साल कैपिटल रहा, ठीक है, लाहौर। यहीं पर फिर लाहौर में इन्होंने शाही किला भी बनाया, ठीक है, और यहीं नॉर्दर्न एरियाज में। इसके शाही किला तो लाहौर में बनाया, लेकिन अटक के मुकाम पे अटक फोर्ट भी बनाया पाकिस्तान में, यहीं कहीं अटक। अच्छा मैं 19 बोल रहा हूँ, अक्सर गलत बोल जाता हूँ, 1585, ठीक है। इसी तरह जो कल भी यही गलती हुई, 1555 था, 1955 मैंने लिख दिया, ठीक है। असद ने भी जानबूझ के वो सिर्फ शेयर किया कि सही है गलत है, वो उसको कहना चाहिए था कि सर ये गलती से जो ना 1955 लिखा गया। तो भाई ऐसा ही होता है, एक तो लेट नाइट ज़्यादातर, क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाता है मुझे बनाने में, और भी बहुत सारे काम होते हैं। कुछ मेरी अपनी प्रिपरेशन है, कुछ क्लासेस भी होती हैं पीएमएस की, तो इस वजह से कुछ हो जाती है मिस्टेक, ठीक है जी। जितना कुछ आपको मैं फ़ायदा पहुंचा सकता हूं उतना फ़ायदा उठा लें। बहरहाल जी, एट द एंड इसकी डेथ हो गई, ठीक है, 1605 में, 1605 में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे पढ़ते जाएंगे। सारी स्टोरी मैंने बता दी है। अकबर दी ग्रेट 1556 से 1605, ठीक है। इसका जलालुद्दीन, इसका टाइटल था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 42 में ये पैदा हुआ, 56 में 14 साल की उम्र में पंजाब के जंगलों में इसकी ताजपोशी हो गई, ठीक है। उसको कहते हैं कोरिनेशन, तो बहराम खान ने इसकी कोरिनेशन की। थर्ड जनरेशन है जो सर्व कर रही है। मीर अनीस का एक शेर है ना, इस तरह, अगर मुझे अभी सही तरह एक फिल बदे ही याद आया, अगर सही तरह मैं बोल पाऊँ तो, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तीसरी पुश्त है शब्बीर की मदाही में। मीर अनीस ने ये शेर कहा था, तो वो तो कहा था शब्बीर की मदाही में, क्योंकि बाप दादा अहले बैत की तारीफ में लिखते थे। तो ये भी बहरहाल थर्ड जनरेशन थी। जहांगीर के साथ दीन पनाह में उनकी डेथ हो गई और क्राउन वगैरह भेजा गया ताजपोशी के लिए। मैंने बात कर दी सारी। अच्छा, इधर क्राउन और यानी कि ताज और स्टैम्प्स अकबर बादशाह की तरफ भेज दी गई। इधर वो जो हीमू था, हीमू उसका निक नेम है वैसे, सम्राट हीमचंद्र विक्रमादित्य, ये राजा था जी, और इसने दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, इसकी मैंने आपको एक स्टोरी सुना दी है, और फर्स्ट के भी मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया कि कब किसके साथ हुई थी। अकबर और हीमो 1560 में इंसिडेंट हुआ बहराम खान का, ये क्या इंसिडेंट था याद रखें। अब देखें, बादशाह अकबर बादशाह को तख्त पे बिठा दिया गया 1556 में, 1556 और से 1560, यानी कि 4 साल तक उसने बहराम खान के अंडर काम किया। क्योंकि बहराम खान देखें, उसका लॉयल भी था, यानी कि वफादार भी था, एक्सपीरियंस्ड भी था, और हुमायूं यानी कि अकबर के बाप की भी नसीहत थी कि आपने बहराम खान का कहा मानना है। तो ये सारा सीन इस तरह चल रहा था कि इसकी एक सौतेली माँ थी महाअंगा, ठीक है जी, महाअंगा।
और इधर आदम खान महांगा का बेटा था आदम खान, यानी कि अकबर का सुतेला भाई। तो ये उनकी नजर में खटकता था कि अकबर सारी बातें बैराम खान की मानता है, हमारी क्यों नहीं मानता। तो जी इन्होंने फिर एक कॉन्स्पायरेसी चलाई और इल्जाम लगाया कि बैराम खान जो है वो को हुकूमत के साथ लॉयल नहीं है, ठीक है, ये कॉन्स्पायरेसी कर रहा है, ये साजिश कर रहा है, वगैरह वगैरह कुछ भी इन्होंने। क्योंकि महांगा चाहती थी कि बैराम खान अगर रस्ते से हटेगा तब आदम खान को अहमियत मिलेगी ज्यादा, लेकिन यहाँ आदम खान जो था बिल्कुल इनकम्पिटेंट था, शराबी था, ठीक है जी, और भी बहुत सारी बुराइयां थी जो शराबियों के अंदर होती हैं, आप समझ जाना। तो इसी तरह इन्होंने इल्जाम लगाया, अकबर ने अदालत लगा ली और कहा जी माजूल कर दिया उसको, ठीक है, ओहदे से, और अदालत लगाई गई। तो बैराम खान ऑनेस्ट साबित हुआ, कहते कि जी इसने ऐसा कुछ, ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। देन अकबर ने कहा कि जी आप अपने ओहदे पर वापस आ जाओ। बैराम खान ने कहा जी नहीं, अब मैं नहीं आ सकता, मैं एक तो बूढ़ा हो गया, ज़यीफ हो गया, आप मुझे हज के लिए भेज दो। कहते ना सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो सारी ज़िंदगी इसने कत्लो गारत की, मक्के जा रहा था, रास्ते में ही इसके तो बेशुमार दुश्मन थे, उस रास्ते में कत्ल कर दिया। देन क्या हुआ कि ये महाअंगा के सरपरस्त, जेरे सरपरस्त हो गया अकबर बादशाह। ये चीज़ें मैंने कुछ स्किप कर दी हैं, मैंने आपको बताया टू दी पॉइंट चलना है। तो 1560 से 62 तक, यानी कि 2 साल वो महाअंगा का कहा मानता रहा, आदम खान को सपोर्ट करता रहा। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ कि आदम खान ने एक मरतबा नशे की हालत में अकबर के वजीर को कत्ल कर दिया रात को। तो अकबर ने फिर आदम खान का सर उड़ा दिया, ठीक है जी, कलम कर दिया तलवार से। तो इसके बाद महाअंगा खामोश हो गई, महाअंगा ने कुछ नहीं कहा, उसे पता था मेरा बेटा है, सही है। देन अकबर बिल्कुल इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल डिसीजन करने लगा, और फिर वो बना अकबर दी ग्रेट, ठीक है, 1562 में राजा बिहारी मौल, ठीक है, जयपुर का था जो कि राजस्थान में है। उसने अपनी बेटी की शादी करा दी, जोधा भाई के साथ शादी हो गई बादशाह की। अच्छा यहाँ पर शायद कोई पिक्चर थी, वो गायब हो गई, है कोई बात नहीं। अच्छा ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यात्रा टैक्स और जजिया। बादशाह ने कब यात्रा टैक्स खत्म किया, 1563 में। यात्रा टैक्स क्या होता है, यात्रा करने का मतलब जैसे हम हज हज करने जाते तो यकीनन सऊदी अरब वाले हम उससे टैक्सेस लेते हैं, ठीक है, किसी भी मद में, रिपेयरमेंट की मद में, सर्विसेज की मद में, जो भी है। तो यात्रा टैक्स इसी तरह, क्योंकि मुस्लिम हुकूमत थी तो जो हिंदुओं के टेम्पल्स वगैरह थे उस पर यात्रा टैक्स लगा दिया। तो अकबर ने कहा कि जी नहीं ये खत्म कर दिया जाए इसी तरह। क्यों, उसके बिहाइंड कौन था, जोधा भाई, जजिया खत्म कर दिया गया। जजिया क्या होता है कि मुस्लिम गवर्नर जिस भी स्टेट में है तो वो नॉन मुस्लिम से जजिया लेता था, जो परमानेंट वहां रहते थे। तो अकबर को कहा गया कि जी आप ही हमारे इलाके में, हमारा ही मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, आप हमारे बाहर के हो, इधर हुकूमत करते हो, हम ही से जजिया लेते हो। तो अकबर ने वो भी खत्म कर दिया। अकबर की आर्मी ने गोंडवाना पे भी हमला किया 1564 में, जिसमें रानी दुर्गावती थी, ठीक है जी, और ये परफॉर्म, इसने जौहर परफॉर्म किया। पीछे शायद मैंने कुछ 67 वाले किसी और फोर्ट के बारे में ऐसा बोल दिया, तो 64 में रानी दुर्गावती ने, ठीक है, जौहर परफॉर्म किया था। और बड़ी ये फाइटर थी जी, लड़ाका औरत थी, जितना हो सका फाइट किया, उसके बाद जंग हार गई। 1567 में इसने चित्तौड़ फोर्ट पे हमला किया, ठीक है, याद होगा आपको चित्तौड़ फोर्ट, जिसमें अलाउद्दीन ने या जलालुद्दीन ने भी हमला किया था, ठीक है जी, कौन सी, रानी पद्मावती के लिए, वही चित्तौड़ फोर्ट है। देन 1569 में इसके यहाँ सलीम पैदा हुआ, शेख सलीम चिश्ती की दुआ से। फतेहपुर में वो रहते थे, तो इसने बाद में फतेहपुर अपने बेटे सलीम का नाम इसने शेख सलीम चिश्ती में मुर्शिद के नाम पर रखा या फकीर के नाम पर रखा, और फतेहपुर को इसने बाद में कैपिटल बनाया 2 साल के बाद, आगरा से फतेहपुर। 76 में जी हाल्दीघाटी की लड़ाई हुई, राणा सांगा, ठीक है, अकबर की, अकबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई। बस ये आपने याद रखना है, बंगाल पे, इस तरह बंगाल तक अप्रोच कर गया उसने। और 1582 में उसने दीने इलाही, ये बात इंपॉर्टेंट है।
1582 में उसने दीन इलाही इंट्रोड्यूस किया। दीन इलाही क्या था? इसने मुख्तलिफ दरबार में सजाया होता था, ठीक है, बहुत सारे हिंदू थे और सारे दरबार में बैठते थे, तो कहते हैं यार ये मजहबी इख्तलाफ क्यों है, सारे मजहब को मिलाकर इसने एक दीन इलाही बना दिया, यानी कि ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, दीन इलाही है, पीसफुल मजहब हो और हर मजहब, क्योंकि हालांकि ये अनपढ़ था, ये आपने याद रखनी बात, अनपढ़ था, लेकिन फिर भी इसने बहुत सारे नए आइडियाज दिए, सेकुलर बादशाह था, इसने सारे मजाहिब को कलेक्ट करके, जो अपने इसके राइटर थे जैसे फैजी, इसके पोइट था उसका, फैजी का भाई था उसको, उनसे इन्होंने बहुत, इसने बहुत सारी किताबें लिखवाई, और इसने क्या कहा कि जितने भी मजहब के नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना सारे मजाहिब के, उनको निकाल दो, जैसे इस्लाम से कहा जिहाद क्यों करते हैं, जिहाद नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, अपने आप को इसने जिल्ले इलाही कहलवाया। जिल्ले इलाही मतलब शेडो ऑफ गॉड, यानी मुझे शेडो ऑफ गॉड को, सजदाए ताजीमी इसने स्टार्ट किया कि जी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ था तो फिर मुझे क्यों नहीं हो सकता, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और हजरत मुजद्दिद अली सानी उस वक्त के, उन्होंने इसकी मुखालफत की कि जी हम नहीं मानते, और वहदतुल शहूद का इन्होंने आइडिया दिया, नजरिया पेश किया। अच्छा ये तो एमसीक्यूज हो गया, एक एमसीक्यूज ऐसे भी आता है कि वहदतुल शहूद का नजरिया किसने पेश किया, मुजद्दिद अली सानी ने, वहदतुल वजूद का नजरिया किसने पेश किया, वो थे जी इब्न अरबी, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, ठीक है, जो अर्तुगरुल गाजी में रहते थे, ये आपने याद रखना है। और हाँ ये होते क्या हैं, फिर मैं इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें बड़ी तफसील से इसके बारे में बताया हुआ है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर ऐसे बता देता हूँ कि वहदतुल वजूद जो मुहियुद्दीन अरबी थे, ये जरा थे फकीर टाइप, और मुजद्दिद अलीफ सानी ये हैं बादशाह बुजुर्ग। तो इब्न अरबी के मुताबिक वहदतुल वजूद जो है, यानी कि हर चीज अल्लाह ही है, ठीक है जी, वजूद वहदतुल वजूद यानी कि वजूद एक ही है, एक ही वजूद है, वाहिद वजूद है, अल्लाह जो है वो कहीं भी नहीं है, यानी कि जो भी चीज़ हम नजरों में देखते हैं या हम है वो अल्लाह ही है, ये नजरिया वहदतुल वजूद का। वहदतुल शहूद का नजरिया ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये शाहिद हैं उसी रब की, वाहिद की शाहिद हैं, वहदतुल मतलब वाहिद, शाह शहूद मतलब जो शहादत देती हैं, तो मतलब इबादतुल शहूद का मतलब यह है कि जो चीज़ भी हमें नजर आती है वो अपने बनाने वाले की शहादत देती है, बनाने वाला इनसे सेपरेट है। चलें जी, 1585 में इन्होंने लाहौर का कैपिटल बना दिया और 14 साल रहा ये 1599 तक। शाही किला, अटक फोर्ट भी उन्होंने उस वक्त बनाया, शाही किला उधर बनाया, ये शाही किले की झलकी है, 1605, ठीक है, 63 ईयर्स की एज में इसकी डेथ हो गई, और आगरा में दफन है ये, इसका मकबरा है। इसके खास खास काम क्या है जी? इसने सब्सिडी जारी की हज के लिए, ठीक है, उससे पहले हज के लिए सब्सिडी नहीं होती थी, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती थी, तो इसने गरीब लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी दी हज के लिए। मनसबदारी सिस्टम बनाया, मनसबदारी सिस्टम क्या होता था? फ्यूडल, एक फ्यूडल सिस्टम है, एक मनसबदारी है। फ्यूडल सिस्टम में क्या था, हर छोटे छोटे इलाके हैं और हर इलाके की अपनी फौज है, इसने कहा नहीं, फौज सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट रख सकती है, ठीक है, उस वक्त भी स्टेट्स होती थी, सूबे होते थे, लेकिन सूबे नहीं हो, सूबों की जगह रियासतें होती थी, यानी कि आज जिनको हम सूबे कहते हैं उन दिनों रियासतें होती थी, तो हर रियासत की अपनी फौज होती थी, उसने कहा नहीं, फौज सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की होगी, यानी कि आगरा की होगी फौज, और हर फौज जो स्टेट्स को फौज देगी वो फेडरल गवर्नमेंट देगी, उसका निज़ाम होगा मनसबदारी। मनसबदारी का मतलब जैसे मनसब होता है, मनसब यानी कि स्टेटस, रैंक, ठीक है, उसका उसने कहा कि जी हर इंसान को काबिलियत की बेस पर एक रैंक मिलेगा, उस हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी, फिर उस हिसाब से वो उसको मतलब उसको ट्रांसफर भी किया जाएगा हर थोड़ी देर बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि उसने कहा मुख्तलिफ जो उसके फौजी हैं, जर्नेल्स हैं, उनको किसी कभी भी एक जगह पे नहीं रखेंगे, अदरवाइज निपोटिज्म हो जाता है जी। इस तरह की ये मनसबदारी है। नौ रतन मशहूर हैं जी, कहते हैं, बात को थोड़ा ध्यान से समझना, कहते हैं कि कोई भी इंसान कभी भी खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसकी टीम होती है बेहतर, अगर उसके पास टीम अच्छी है तो वो बहुत कुछ नहीं सब कुछ कर सकता है दुनिया में,
जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में, जितने भी सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, वो सब के सब अच्छी टीम पर चलते हैं, अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स, अच्छे प्रेसिडेंट्स, अच्छे वुजरा, उन पर वो मुल्क तरक्की करता है। तो इसने क्या किया था, पूरे मुल्क से गिने चुने जो बेहतरीन लोग थे उसको उन्होंने, अब इसने अपना मिनिस्टर बना दिया। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, कोई आर्ट्स की बेस पर, कोई फाइनेंस को अच्छी तरह डील कर सकता है, कोई स्पिरिचुअल चीज़ों को अच्छी तरह डील कर सकता है। तो ये इस तरह उसने अपने 9 जैम्स बनाए। जैम कहते हैं मोती, 9 रत्न, 9 प्राइम मिनिस्टर थे जिसके, इसमें से 5 मुसलमान थे, 4 हिंदू या सिख थे। सबसे पहले जी मुल्ला दो प्याज़ा, ये क्या था कि हिंदू काउंटर पावर, हिंदू था एक बीरबल, उसका काउंटर पावर पार्ट बनाया, यानी कि इंटेलिजेंट था। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि मतलब इस्लाम पर ज़्यादा इतना फोकस नहीं करता है, सेकुलर टाइप, या कट्टर, कट्टर कह लें आप, सॉरी, आर्थ, इसका ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर, ये मतलब इस्लाम पे, जैसे बीरबल एक हिंदू हिंदू मजहब चलता था, ठीक है जी, और ये इसको कहता था कि इस्लाम ही सब कुछ है। मुल्ला दो प्याजा मजहबी शख्स था, ऊपर तस्वीर में भी एक मौलवी साहब बैठे। उसके बाद अबुल फैजी या अबुल फजल, अबुल फजल और फैजी दो भाई थे। ये अबुल फजल राइटर था, ये किताबें लिखता था, और फैजी पर्शियन पोइट था। अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा, आईन ए अकबरी लिखे, इम्पोर्टेंट है, ये दोनों किताबें इम्पोर्टेंट है, अकबर नामा और आईन ए अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने। और यहाँ पर है जी अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये बैराम खान का बेटा है, ये भी पोइट था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अब 9 रत्न में से कौन सा ऐसा था जो बैराम खान का बेटा था, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है। फकीर अजीउद्दीन, ये एडवाइजर था, जैसे एडवाइजर होते हैं, जैसे कैबिनेट होती है। टोडर माल, ये फाइनेंस मिनिस्टर था, आपको याद होगा, बल्कि पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रोहतास फोर्ट जो बनाया शेरशाह सूरी ने, तो उसमें टोडर माल पीछे बैठा, यानी कि सारी डीलिंग जो कर रहा था वो टोडर माल कर रहा था। तो इसने कहा कि रोहतास फोर्ट इतना ज़बरदस्त बनाया है, तो इस बंदे को भी मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा। देन बीरबल, जिसका असल नाम था महेश दास, बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है जी, ब्राह्मण था, ये भी बात याद रखनी है आपने, बीरबल ब्राह्मण था, और एक जंग में कत्ल हुआ। तानसेन म्यूजिशियन, ठीक है, आज भी इस जितने भी इंडिया में सिंगर हैं इसके दरबार पे जाते हैं, इसे पूजते हैं, कहते हैं इसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ है। इसका असल नाम था राम तनु पांडे। कहा जाता है कि जब ये गाता था, इसके पास कुछ ऐसे सुर थे कि चराग, जो चराग उसमें अगर तेल है, बत्ती है, तो इसके अपने सुर से उसके अंदर आग जला देता। आला जी, मानसिंह, मानसिंह ये बहुत बहादुर था, जो तो भाई का रिलेटिव था, एक राजा था एम्बर का, और अकबर की टीम में शामिल था। नीचे ये एक ट्रिक दी हुई है इसको याद करने के लिए, फैट फैट BMR, ये आपने देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, बिल्कुल PDF आप देखोगे। और यही हमारा लेक्चर एंड होता है, बाकी याद करें जी, देखा करें अच्छी तरह, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।